लखनऊ में यूपी की केस स्टडी बताता हूं आपको। यूपी में पिछली बार 138% जब राइज हुआ, 138%, तो 10 दिनों के अंदर 39,000 पर डे केसेस आने शुरू हो गए। इस बार 1508% राइज है 10 दिन में। आप कहां देखते हैं बाप, वैक्सीनेशन काउंट करके। डॉक्टर दीपक आचार्य, मेरा सवाल आपसे। जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया निशान सर। यूपी में अगर बात की जाए, यूपी में पिछली बार 138% जब राइज हुआ एकदम से, तो 10 दिनों के अंदर 39,000 पर डे केसेस आ रहे थे। यूपी इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है। अभी 1508% राइज है 10 दिन में। ये केसेस कहां दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास केस स्टडी है, अमेरिका में 10-10 लाख केसेस आ रहे हैं। यही चिंता की बात है निशान जी, जो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि हम जब इसको कंपेयर कर रहे थे डेल्टा के साथ में कि कितने मल्टीफोल्ड इसके अंदर में चांसेस हैं ट्रांसमिट करने के, बहुत सारी स्टडीज आई, हमने बताया 5 टाइम 7 टाइम 10 टाइम ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को, और वही सीन देखने आ रहा है सामने। और जिस तरह के स्पाइक के अंदर में जो म्यूटेशंस हुए हैं और जिस तरह से डोज दे रहा था, दोनों तरह के ग्रुप्स के लोगों के लिए थ्रेट बना हुआ है, जो चाहे जो वैक्सीनेटेड हों या जो लोग बिल्कुल वैक्सीनेट नहीं करवाएं अपने को। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएं या जिनके सिर्फ अभी एक ही डोज हुए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं और अपने आप को कंटेन करके रखें। ये जिस तरह से फैलने वाला है इसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं तो बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, अहमदाबाद जैसे शहर के मामलों को आप देखेंगे तो कहाँ 17 था और कहाँ 600-700 केसेस ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बता रहे हैं। सर, ये वाकई में चिंताजनक है। मैं सीधे यहाँ पर चलूंगा, पंजाब के पटियाला में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पटियाला मेडिकल कॉलेज के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं 1000 के करीब स्टूडेंट। सीधे यहाँ पर प्ले ऑन करें और यहाँ पर बहुत तेजी से हम जाएंगे, आपको बताना चाहेंगे कोरोना की नई लहर, डॉक्टर्स पर भारी कहर। यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल दिल्ली 23 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, पटना एम्स के 4, पीएमसीएच के 4, आईजीआईसी का 1 डॉक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट चेंज करें, एक दिन में एनएमसीएच के 72 डॉक्टर संक्रमित, आंकड़ा 168 के पार। गया, मगध की अगर बात की जाए तो 35 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लखनऊ मेदांता अस्पताल के 32 कर्मचारी, अब जो आंकड़ा 40 के ऊपर है जो लेटेस्ट है, 1 डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज पटियाला की अगर बात की जाए, 100 छात्र पॉजिटिव हो गए, हॉस्टल खाली कराने का आदेश दिया गया है। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग, ये वाले ग्राफिक्स और ऋषिकेश की ब्रेकिंग के साथ सीधे चले डॉक्टर वली के पास। सर, शार्प रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा, अगर जो हमारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है, इसका मतलब लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस स्टार्टिंग में कहीं पर नहीं दिख रही थी। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? नहीं, बिल्कुल इसको हल्के में लिया गया है और हम शुरू से ही कह रहे थे निशान जी, आपकी चिंता मेरी चिंता सबकी चिंता इस समय ये होनी चाहिए बस कि ये कर दें, अपने दरवाजे बंद कर दें, बाहर ना निकलें, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, आपने तो कहा ना अभी कि एक तूफान आएगा कि सुनामी आएगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO के चीफ ने कहा है और उन्होंने सोच समझ के कहा है। फ्रांस में 5वीं वेव चल रही है, तो ये छोटी बात नहीं है और ये ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमेशा रहता है, वो तो रहने वाली बात है। लेकिन कहाँ से टेस्ट होंगे इतने लोगों के, कहाँ वो क्या लाइनें लगेंगी क्या टेस्टों की, जब इतने टेस्ट होंगे सुबह से शाम तक जिसकी हम संख्या की बात कर रहे हैं, कहाँ से हम इलाज करेंगे, कैसे होगा, ये सब बहुत चिंता का विषय है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, मनोरंजन को भूल जाइए, ये समय अगले आने वाले 4 हफ्तों का बहुत खतरनाक है। मास्क लगाइए, टीका लगवाइए, इसके अलावा कुछ मत करिए, सिर्फ ये देखिए कि हमें कोरोना से बचना है, बच जाएंगे। अगर आप सिंसियरली देखेंगे तो बच जाएंगे, लापरवाही हो रही है, इसको मानना पड़ेगा, सब तरफ से हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।